नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल टेक्निकल बजरंगी में। दोस्तों, सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि इंसान ठंडे पानी से नहाए कैसे, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आज मैं आपको आसानी से और जो घरेलू नुस्खा है, घरेलू तरीका है, उससे आप कैसे पानी गर्म कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या उसके लिए चाहिए मैं आपको बता दूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए दो कोई भी लोहे का या कोई भी टुकड़ा जिसमें जो विद्युत प्रवाहित हो सके वैसा टुकड़ा ले लीजिए। तो मेरे पास ये दो चीज़ पड़ी है, मैं इसका यूज करके आपको पानी गर्म करके दिखाऊंगा। और दो वायर के टुकड़े ले लीजिए, तो इसको हम वायर का टुकड़ा मैंने काट के रखा हुआ है दो, तो उसमें इसमें हम कनेक्शन इसमें कर देंगे, इसमें तो इसको ऐसे लगा देंगे। इसको ये तो टेम्पररी, आप व्यवस्थित इसको अच्छी तरह लगा के इसको बना सकते हैं। एक टुकड़ा और दूसरे टुकड़ा है ये, इसमें स्पून में मैं लगा देता हूँ। आप ऐसी चीज़ ले लीजिएगा जो खराब ना हो, जैसे स्पून है तो गर्म होकर काला हो जाएगा, इसलिए इसका यूज मत करिए। आप ऐसा ही यूज करिए, कोई भी चाकू हो जिससे उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो देखिए, दो टुकड़े पे मैंने कनेक्शन कर दिए हैं, और जो पानी गर्म करना है उसको आप, ये दो टुकड़ा है वायर का, एक पहला टुकड़ा, तो पहले टुकड़े को हम, देखिए पानी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो एक कोई भी सपोर्ट के लिए आप कोई भी लकड़ी का टुकड़ा या कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको इस प्रकार लगाइए, देखिए इसको अंदर डालना है आपको, ये पानी के अंदर, तो आप इसको इस तरह अच्छी तरह आराम से इसे कर सकते हैं। इसको यहाँ पे लटकाएं, और दूसरे जो दूसरा हमारा मेटल है जो इस, तो इसको ऐसे हम इजीली आराम से, और ऐसे हम इसको बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह आप बना दीजिए। और एक ध्यान रखें कि ये दोनों जो ए और इस साइड का दोनों नीचे से टच ना हो, अलग अलग सेपरेट होना चाहिए। और दोनों जो दोनों वायर का जो अलग दूसरा टर्मिनल है, दूसरा छेड़ा इसका, जो इस दूसरा भाग है, उसको हम एक इधर रहा इस साइड वाला, इस साइड का जो भाग है ए वायर है इस साइड वाला इधर का ए, और दूसरा इस साइड वाला है जो इधर वाला ये रहा। तो दोनों को, ये दोनों साइड वाले को हम, जो दोनों हमारे पास रहे, इसको हम पावर देंगे 230 वोल्ट देंगे, और देखेंगे कि पानी कैसे गर्म होता है। तो मैं दोस्तों इसको सप्लाई देने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, सप्लाई मैंने दे दिया, देखिए क्या हो रहा है, उसमें कुछ बुलबुले जैसा निकल रहा है, यानी इसमें दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई, और आपका पानी 5 मिनट में गर्म हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह इसको बॉक्स जैसा बना के आप इसको ऐसे रख सकते हैं, इसको पानी में आप इस समय पानी को टच ना करें, नहीं तो इलेक्ट्रिक लग सकती है, शॉक लग सकता है। देखिए क्या हो रहा है, यानी ये पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है। 5 मिनट इस तरह आप रख सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे इसमें धुआं वाष्प निकलना भी शुरू हो जाएगी। इसको आप अच्छी तरह ढक के और एक बॉक्स जैसा बना के अंदर डाल सकते हैं, जिससे कोई भी इसको टच ना करे, चाहे टच ना हो सके, और आराम से आप पानी गर्म कर सकते हैं। देखिए चालू है पानी गर्म होना,
थोड़ी देर में आप देखेंगे इसमें से धुआं जैसा निकलने लगेगा, वाष्प निकलने लगेगी। इसमें आप अंगुली नहीं डाली, कुछ भी आप, नहीं तो करंट लग सकता है इसको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पानी कितना गर्म हो गया है, देखिए इसमें से भाप भी निकल रही है, वाफ निकल रही है, धुआं निकल रहा है, यानी पानी आपके नहाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए जो बेल जैसा घंटे जैसा आकार दिया उस पर क्लिक कीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिस मिल सके। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।